हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी, आम पन्ना, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो इस आम पन्ना को आप घर पर एक बार जरूर ट्राई करके देखें। हेल्दी आम का पन्ना बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कच्चे आम, आवश्यकतानुसार इलायची पाउडर और काला नमक, 1 से 1.5 कप ग्रेट किया हुआ गुड़ और कुछ आइस क्यूब्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो 2 कच्चे आम लिए हैं, इसे अच्छी तरीके से धो ले और इसके ऊपर ये जो स्टेम पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। अब इन दोनों कच्चे आम को हमें प्रेशर कुक कर लेना है 2 से 3 सीटी आने तक। इसीलिए हम इस कुकर के डब्बे में डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। 2 से 3 सीटी आने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं। अब ये थोड़े से गर्म है तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर आने तक रखेंगे और जब ये नॉर्मल ठंडे हो जाएंगे तो इसके जो पील है इसके ऊपर का और सीड का सारा पल्प हम निकाल लेंगे। अब इस सारे पल्प को हम ऐड करेंगे ग्राइंडिंग जार में। इस पल्प के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो है ग्रेट किया हुआ गुड़। आप आपके आवश्यकतानुसार इस गुड़ को कम ज़्यादा ले सकते हो। इसी के साथ साथ हम डालेंगे इलायची पाउडर और काला नमक। आप चाहे तो इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही बढ़िया जाता है। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फाइनली पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लेंगे। इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार हो गई है और ये तैयार होगा आम का कॉन्सेंट्रेट। इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख सकते हैं और कई दिनों तक इसे यूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए अब इससे ड्रिंक कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। इसके लिए कांच के ग्लास में सबसे पहले ऐड करें कुछ आइस क्यूब्स और इसके ऊपर डालें 1 से 2 चम्मच आम का कॉन्सेंट्रेट। आप आवश्यकतानुसार इसे कम ज़्यादा भी ले सकते हो। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रिज का ठंडा पानी। आप चाहे तो मटके का ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक पुदीना पत्ते के साथ इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार हो गया बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी आम का पन्ना तैयार। तो आप भी इसी तरीके से इस हेल्दी ड्रिंक को घर पर ज़रूर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।